हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ स्विगी में फुल डे काम करने के लिए, क्योंकि भाई आज ना सुबह से ही बारिश हो रही थी। तो मैंने सोचा भाई स्विगी में काम करते हूँ, क्योंकि बारिश के टाइम में स्विगी में एक्स्ट्रा सर्च बोनस मिल जाता है, तो उससे थोड़ा बहुत अच्छा खासा अर्निंग हो जाती है। तो मैंने फटाफट स्लॉट बुक कर लिया, ठीक है, दोपहर 12 से लेकर रात के 11 बजे तक काम करेंगे। बट दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना आप लोगों को बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ अबाउट स्विगी को लेकर, कि कंपनी किस तरह से स्कैम कर रही है हम लोगों के साथ, किस तरह से फ्रॉड कर रही है, ठीक है, रेफरल के नाम पे कंपनी किस तरह से धोखा कर रही है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा एक्सपोज करके बताने वाला हूँ, जो कि मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है। ओके, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो आज का मेरा पहला वाला ऑर्डर मिल चुका है, एज यूजुअल जैसे कि हमेशा मिलता है अल्कोहल का ऑर्डर। मैं घर पे बैठा था इसी के लिए कि भाई दारू का ऑर्डर मिलेगा तभी जाऊंगा, लेकिन काफ़ी देर तक रुका रहा लेकिन नहीं मिला। बट घर से जैसे निकले, 1 किलोमीटर बाइक चलाया तो मिल गया फिर यहाँ से ऑर्डर। तो चलो, पहला वाला ऑर्डर मिल गया और रेडी भी हो गया। अल्कोहल का ऑर्डर मिलता ना तो सही लगता है, वेट नहीं करना पड़ता, तुरंत मिल जाता यार। तो यहाँ से 5.7 किलोमीटर है, ठीक है, चलो चलते हैं। भाई साहब यार, पहली बार पूरा रूम तक जाके देखा है उनका, लगता है नशे में पूरा चूर होंगे यार। भाई आज का सेकंड वाला ऑर्डर मुझे मिल गया, और क्या बताऊँ यार, मार्केट का कंडीशन कुछ अच्छा नहीं है। कई सारे दोस्तों से पूछा, बोल रहा है कि भाई कुछ खास मार्केट का कंडीशन नहीं है भाई, बोल लोगों का सिर्फ सुबह 11 बजे से 2 ऑर्डर 1 ऑर्डर करके बैठा हुआ है। 4185 और मेरा अभी 2 बज रहे लगभग, और दूसरा नंबर ऑर्डर देखते 4 बजे तक मैं रुकूँगा, ठीक है। अगर 5-6 ऑर्डर मैं कर पाता हूँ तो मैं करूँगा, वरना मैं सोच रहा हूँ कि ऑफलाइन करके फिर बाइक टैक्सी में निकल जाऊँगा रेनकोट लेकर, क्योंकि यार बाइक टैक्सी में फिर भी क्या राइड मिल जाती है, ऑर्डर हो जाता है, लेकिन इसमें क्या बैठे बैठे कब तक। जैसे अभी देखो भाई लोग बैठा है यहाँ पर, यही लोग से बात कर रहे थे, किसी का 1 ऑर्डर किसी का 2 ऑर्डर, सुबह 11 बजे से 10 बजे से, इवन तो कोई कोई तो 9:30 बजे से लॉग इन करके बैठा है, लेकिन क्या यार ऑर्डर नहीं मिला है, यही दिक्कत है भाई। मुझे लगा कि बारिश होगा, लेकिन बारिश भी देखो अब नहीं हो रही, तो रेन सर्च जो है ना वो भी कंपनी ने बंद कर दिया, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो रेन सर्च भी बंद कर दिया। तो इस ऑर्डर पर रेन सर्च मुझे नहीं मिला, जबकि पहला वाला ऑर्डर पर मिला था। तो बारिश अगर हो ना, कंटिन्यू नॉन स्टॉप बारिश हो तो उसमें फ़ायदा होते है काफ़ी, लेकिन वही रुक रुक के अगर बारिश होती रहे ना फिर इन मोड बंद कर देगा तो कुछ खास अर्निंग फिर रहता नहीं है उसके बाद। भाई अभी मैं 3 नंबर ऑर्डर डिलीवर करने आया हूँ, इससे पहले 2 नंबर ऑर्डर डिलीवर करने आया था इस वाला सामने वाला बिल्डिंग में, वहाँ पर मुझे 3 रुपया रिटर्न बोनस मिल रहा था, बट अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ऑर्डर रिसीव करते टाइम रिटर्न बोनस नहीं था, पता नहीं क्यों। अब देखते हैं डिलीवर मार्क करने के बाद ही पता चलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए 2 रुपया मुझे मिला, रिटर्न बोनस मिला क्या इसमें? नहीं, देखो रिटर्न बोनस नहीं मिला मुझे, तो पता नहीं इसमें मुझे रिटर्न बोनस नहीं मिला यार, जबकि मिलना चाहिए था यार। इससे पहले सेकेंड वाला ऑर्डर इसी वाला बिल्डिंग में डिलीवर किया, उसमें मुझे 3 रुपया रिटर्न बोनस मिला, बट इस ऑर्डर पे नहीं मिला। ये तो बात सही नहीं है यार, रिटर्न बोनस मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा। टिकट इशू कर दूं क्या? ये रिटर्न बोनस दो यार मुझे, छोड़ना क्या, कंपनी तो यही तो मौका खुशती है भाई, बिलीव करो कंपनी जानबूझ के ऐसा करती है भाई, ये स्विगी में ना जानबूझ के करती है, कभी कभार वेटिंग टाइम आपका नहीं देगी। तो ये चीज़ ना, अगर आप लोग स्विगी में काम कर रहे हो ना तो ध्यान रखना हर एक चीज़ का, रिटर्न बोनस मिला है कि नहीं मिला है। जब आप जोन के बाहर जाकर डिलीवर करोगे ना तो उस टाइम रिटर्न बोनस कंपनी देती है। 1 किलोमीटर भी अगर बाहर जाकर डिलीवर कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3 रुपया मिनिमम आपका रिटर्न बोनस मिल जाती है, ठीक है। अगर नहीं दे रहा है तो तुरंत उसी ऑर्डर पर टिकट इशू कर दो। अगर वेटिंग टाइम आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत देर वेट किया, उस हिसाब से पैसा बहुत कम दिया, तो फिर टिकट इशू कर देना, ठीक है। आपको जितना बनता है वो अगर देना रहेगा तो कंपनी ठीक दे ही देगा। देखो दोस्तों, पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे साथ कितने सारे डिलीवरी बॉय यहाँ पे वेट कर रहे हैं सिर्फ 1 सिंगल ऑर्डर के लिए।
देखो यार यहाँ पर भी सब खड़े हुए हैं, यहाँ पर भी सब बैठे हुए हैं और मैं तो खैर बैठा हुआ हूँ भाई। सच में यार मार्केट में बिल्कुल ऑर्डर नहीं, जबकि यार बारिश का वेदर किया हुआ है, बादल वादल किया हुआ, लेकिन यार ऑर्डर नहीं है। जबकि बारिश के टाइम में फिर भी यार ऑर्डर मिलते हैं, लेकिन यार ऑर्डर ही नहीं हो रहा, सब बैठे हुए चुपचाप इन ऑर्डर। और ये जो भैया ना स्कूटी में, ये सुबह 9:30 बजे से लॉग इन है और अभी लगभग 6 घंटे से ऊपर हो चुका है, सिर्फ 2 ऑर्डर करके बैठे हुए भाई। बताओ यार ऐसे अगर ऑर्डर देगा तो कौन ही काम करे। देखो किसी के पास ऑर्डर नहीं है, भी भाई बैठा हुआ है पिछले 1.5 घंटे से, ये भाई लोग भी बैठा है, कोई 2 कोई 3 ऑर्डर मार के बैठा हुआ है। बात यही है ना भाई, जब मार्केट में ऑर्डर ही नहीं है तो आप किस बात का भाई रेफरल इनकम दे रहे हो यार, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ज्वाइनिंग करवा रहे हो और कंपनी जो ज्वाइनिंग करवा रही है, जब मार्केट में ऑर्डर ही नहीं है, जो एग्जिस्टिंग डिलीवरी बॉय जो काम कर रहे हैं हम लोग को ऑर्डर ही जब नहीं मिल रहा है, एक एक घंटे दो दो घंटे वेट करना पड़ रहा है 20-30 रुपये का ऑर्डर के लिए। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि जब मार्केट में ऑर्डर ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ज्वाइनिंग किस बात का करवा रहे हो, ऊपर से इतना रेफरल का पैसा दे रहे हो। और कंपनी जो रेफरल का पैसा दे रही है ना, 10,000 रेफरल का पैसा दे रही है, बट जैसे वहाँ पर आप क्लिक करो ना, वहाँ पर 5,000 हो जाएगा। मतलब यहीं पर डायरेक्ट स्कैम हो जा रहा है। बताओ होम पेज में तो दिखा रहा है कि 10,000 यार पर रेफरल पे 10,000 रुपया के मिलेगा, लेकिन जैसे आप उसमें क्लिक करोगे ना, वहाँ पे दिखा रहा है 5,000 मिलेगा, 10,000 नहीं मिलेगा। बताओ यार लोगों किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है कंपनी यार। आप लोग सोच रहे हो भाई मार्केट में ऑर्डर नहीं है, पूरा सुनसान पड़ा हुआ है यार, एक एक घंटा बाद एक एक ऑर्डर मिल रहा है और आप इधर ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग करवाए जा रहे हो यार, रेफरल इनकम दे रहे हो, 10-10 हज़ार रुपया रेफरल इनकम आप कर सकते हो, लेकिन वो भी एक तरह से स्कैम है। मैं कैसे स्कैम है, मैं खुद रेफरल किया हूँ 2-3 लोगों को। तो मैंने 1-2 महीने पहले ज्वाइनिंग भी करवाया था, 2-3 लोगों को मैंने रेफर किया था, तो लोग ज्वाइनिंग भी किया, काम भी किया, उन लोगों को ज्वाइनिंग बोनस मिला, लेकिन मुझे रेफरल बोनस नहीं मिला। पता है क्यों? जब मैं टिकट इशू किया तब कंपनी बोल रही कि नहीं आपका टेम्प आईडी है तो आपको ये स्कीम नहीं मिलेगा। जब मेरा टेम्प आईडी है, चलो यार मानते हैं, जबकि मेरा रेगुलर आईडी है, ठीक है मेरा रेगुलर आईडी है, टेम्प आईडी नहीं है, ओके। नॉर्मल एक ऑर्डर का 25 रुपये मिलता है, जैसे ये ऑर्डर डिलीवर करूँगा तो आप लोगों को दिखाऊँगा 25 रुपये मिल रहा है, जो कि टेम्प आईडी में 40-50 रुपये मिलता है। तो मेरा रेगुलर आईडी है, तो मैंने जब टिकट इशू किया बोला आपका टेम्प आईडी है तो आपको ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिलेगा। तो जब मेरा टेम्प आईडी आप लोगों को पहले पता था तो मुझे ये स्कीम क्यों दिखाया कि हाँ भाई ज्वाइनिंग करो तो आपको ये 5,000 रुपया रेफरल बोनस मिलेगा। तो कंपनी को उसी टाइम अब नहीं देना चाहिए, लेकिन नहीं, कंपनी को भाई ज्वाइनिंग करवाना था भाई, स्कैम करना था, कर दिया यार। अब बंदा जो लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं ना, उनके साथ भी ऐसा हो रहा है कि 10-15 दिन तो ऑर्डर दे रहा है कंपनी, उसके बाद से ऑर्डर देना बंद कर दे रही है। जो नए नए बंदे हैं उन लोगों को कंपनी ठीक ठाक ऑर्डर दे रही है, मुश्किल से 1 मंथ तक ठीक ठाक ऑर्डर दे रही है, लेकिन उसके बाद फिर उसका भी सेम हाल हो जाता है भाई, एक एक घंटा दो दो घंटा तक बैठे रहते हैं, कोई ऑर्डर ही नहीं मिलता। तो ये एक तरह से पूरी तरह से स्कैम चल रहा है भाई, ये जो रेफरल बोनस दे रही है कंपनी ने, ये पूरी तरह से स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई रेफरल पैसा नहीं मिलता, ठीक है ना भाई, इसके चक्कर में मत रहना आप लोग। तो ऑर्डर डिलीवर हो गया, 27 रुपया मिला और 4 घंटा 22 मिनट का लॉग इन आवर से मैंने अर्निंग कितना किया, 173 रुपीज़, सिर्फ 4 ऑर्डर मुझे मिला 4.5 घंटे में। सिर्फ अभी तक मैंने 200 रुपया भी अर्निंग नहीं कर पाया, 173 रुपीज़ का सिर्फ अर्निंग हुआ, बताओ। तो ये टाइम वेस्ट नहीं है तो और क्या है, इससे अच्छा तो भाई बाइक टैक्सी कर लेता आदमी यार, भले बारिश का मौसम है लेकिन फिर भी यार 2-3 राइड भी अगर कर लेता तो 200 रुपये का प्लस अर्निंग हो जाता आराम से बाइक टैक्सी में भी। आज के डेट में ना आप बिलीव नहीं करोगे यार, लड़के नहीं है यार स्विगी में काम करने लायक, स्विगी में आज के डेट में कोई काम नहीं करना चाहता यार, इस वजह से हर कोई जा रहा है जोमेटो में। अब जोमेटो में भी हाल बुरा हाल हो जा रहा है, सब जोमेटो में आके ज्वाइनिंग कर ले रहा है और जोमेटो में भी ऑर्डर नहीं हो रहा, जिस वजह से ऑर्डर हो भी रहा है तो ठीक से मिल नहीं रहा है। तो कंपनी को सोचना चाहिए कि यार जो हम लोग एग्जिस्टेंस जो बंदे लोग काम कर रहे हैं इतना टाइम से, उन लोग को एटलीस्ट ठीक ठाक ऑर्डर दे, ठीक ठाक अर्निंग हो तो बंदा लॉयल होकर काम भी करेगा, वरना अगर ऑर्डर ही ना मिले, अर्निंग ही ना हो तो यार सब काम छोड़ कर निकल जाएगा। अभी वहाँ पे बैठे थे बहुत सारे दोस्त लोग, बात कर रहे थे कि बस ये फेस्टिवल तक या दुर्गा पूजा तक रहेंगे, उसको छोड़ देंगे भाई, क्योंकि इतना कम अर्निंग में यार कौन काम करेगा, सुबह से लेकर रात के 10-11-12 बजे तक यार लॉग इन रहो और 500-400 रुपया अर्निंग होता है उसमें सिर्फ, तो उसमें क्या होगा भाई। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस ब्लॉग में इतना ही रहा, छोटा सा वीडियो था ये जो स्कैम कंपनी कर रही है रेफरल के नाम पे, बस उसी के बारे में थोड़ा सा मैंने अपना
पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया आप लोगों के साथ। दैट्स इट, आप लोगों का क्या मानना है, क्या सोचना है भाई कमेंट करके बताना, जो कंपनी इस तरह से कर रही है।